तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स एंड साइन पर पावर एन एक्स। कर्व माइनस 360 से 360 डिग्री तक आपका क्या बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए चाहना है। तो ग्राफ जहाँ कर रहा है एन एन इज इवेन नेचुरल नंबर, ए जो एन है वो क्या है, इवेन नेचुरल नंबर। जब हमें मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना कहाँ से कहाँ तक, माइनस 360 से प्लस 360, तो सबसे पहले लिफ्ट करते हैं एफ एक्स इजकल टू मॉड साइन एक्स। ए फंक्शन गिवन है मॉड साइन एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू बाई कह लेते हैं, बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स। एफ एक्स को क्या बोला जाता है, बाई, तो बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अब इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है इसके लिए क्या जरूरत है, टेबल का। अब इसका टेबल हम लोग बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लेते, यहाँ पे 120 डिग्री और 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री और 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि हम लोग को ग्राफ बनाना क्या 360 तक। ये तो पॉजिटिव, हाँ आगे तक भी बना सकते, आगे भी क्या ग्राफ बना सकते, आगे तक जितना तक आप लोग बना सकते। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 360 से प्लस 360 में ग्राफ समझ पाएंगे आसानी से, थोड़ा ग्राफ छोटा हो जाएगा, ऐसे बढ़ाएंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग 360 तक ही लेते हैं। ये आपका एक्स एक्स वाई और ये आपका नेगेटिव के लिए ले लेते हैं, माइनस 30 डिग्री, माइनस 60, माइनस 90, माइनस 120, 150, माइनस 180, माइनस 210, माइनस में 240, माइनस में 270, माइनस में 300, 330 और 360, ये आपका ले लिया। अब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ए गिवन है फंक्शन। अब एक्स का वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करते हैं तो बाई का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन साइन एक्स का वैल्यू 0 डिग्री रख रहे तो साइन 0, साइन 0 डिग्री क्या 0, तो बाई इक्वल टू क्या मिल गया 0। अब एक्स का वैल्यू 30 डिग्री अगर पुट करते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ, हाफ को लिख सकते हैं 1.5, तो 1.5 का मॉड भी क्या मिलेगा 1.5, सॉरी 0.5, सॉरी 0.5, ये क्या आ जाएगा 0.5। ए 60, अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 60 डिग्री रख रहे हैं तो वाई का साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, तो √3/2 ए आपका मॉड, √3/2 का मॉड क्या मिलेगा, √3/2। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, √3 का मान 1.73 समथिंग, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.86 जो कल भी आया था, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 0.86। अब एक्स का वैल्यू 90 डिग्री अगर पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 का रिजल्ट क्या मिलता है, 1, तो 1 का मॉड क्या 1, तो वाई का वैल्यू मिल गया 1, 120, तो 120 मतलब हम लोग जानते हैं 60 के इक्वल होता है 0.86, 150 किसके इक्वल 0.5 के, और यहाँ पे 180 जीरो डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव, 150 भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव,
180 भी आपका सेकेंड तक ही है तो पॉजिटिव में वैल्यू। अब हमें प्राप्त करना 210 डिग्री, तो 210 डिग्री का वैल्यू अब एक्स के जगह पे 210 डिग्री रखेंगे। 210 डिग्री किसके बराबर होता है, 0.-5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड करते 210 डिग्री तो साइन 210 डिग्री किसके वैल्यू के बराबर होता है, और 150 या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और साइन 210 150 के होता है 0.5। एक 210 किस क्वाड्रेंट में है, सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। लेकिन मॉड में फंक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या कर देगा, पॉजिटिव में। तो आपका मिल जाएगा 0.5 240 किसके बराबर होता है, और 120 तो 0.86। ए बी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव देगा लेकिन मॉड कारण वैल्यू क्या कर देगा, पॉजिटिव में। अब 270 के बराबर ए बी वैल्यू नेगेटिव में आएगा लेकिन मॉड नेगेटिव वैल्यू क्या बना देगा, पॉजिटिव। 300 डिग्री आपका 0.86 ए फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होगा लेकिन मॉड कारण क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसका भी मिलेगा 0.5 a 0। अगला सेकेंड देखते यहाँ पे नेगेटिव वाला में, तो 0 डिग्री और 22 बराबर आपका दिया हुआ साइन मॉड एक्स, तो एक्स का वैल्यू रखेंगे -30 डिग्री। साइन -थीटा तो क्या मिलता है, माइनस में साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का मॉड क्या मिलेगा, साइन थीटा ही मिलेगा। साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या, हाफ, तो हाफ हाफ को क्या कर सकते हैं यहाँ पे 0.5, तो ए लिख सकते इसका वैल्यू 0.5। तो ए 60 का वैल्यू भी आपका यहाँ पे अगर 60 रखेंगे तो 60 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन -थीटा, तो माइनस में साइन थीटा। तो मॉड नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.86 आता है, तो 0.86 मतलब सारा नेगेटिव, हर वैल्यू क्या कर देगा, पॉजिटिव बनाएगा हर वैल्यू, क्योंकि मॉड नेगेटिव पर पॉजिटिव देता, पॉजिटिव पे क्या देता, पॉजिटिव ही। तो वही वैल्यू 90 डिग्री 1 के बराबर, और 1 to 1 पे भी आपका 0.86 होगा, 0.5 0 0.5 0.86 1 0.86 0.5 0। सिर्फ रिजल्ट वही देगा क्योंकि नेगेटिव को मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव का जो मिलेगा वो भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो ये हम लोग टेबल बना लिए। ये टेबल बनने के बाद अब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और ए वाई डैश। ए ओरिजिन हो गया, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री और 150 डिग्री 180 डिग्री 210 डिग्री 240 270 300 डिग्री 330 डिग्री 360। निगेटिव मिले थे सेम यूनिट से, -30 डिग्री -60 -90 डिग्री माइनस में 120 डिग्री माइनस में 150 माइनस 180 डिग्री माइनस 210 डिग्री माइनस 240 270 300 डिग्री 330 डिग्री और 360 डिग्री। ए माइनस ए डिग्री ले लिए,
ये आपका बाई एक्सिस पे 0.5 और 1.5, तो माइनस में 0.5, माइनस में 1, माइनस में 1.5 और आगे ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे नंबर को ले लिए। अब एक्स 0 डिग्री बाई 0 डिग्री कहाँ मैच करेगा यहाँ पे। अगला कहा जा रहा एक्स 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.5, एक्स 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.5, एक्स 60 डिग्री तो 0.86, 60 डिग्री तो 0.86, तो 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे मैच करेगा। और एक्स 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1, 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1 और 120 डिग्री तो वापस 0.86, 0.86, 150 डिग्री तो 0.5, 180 तो 0, फिर 210 डिग्री तो 0.5 और 0.86 और 1, 0.86, 0.5, 0। ये इसको फ्री हैंड से मिला देंगे। ये आपका ग्राफ बन गया क्या 0 से 360 का मॉड का। अब इधर निगेटिव वाला 0 0 x 0 तो बाई भी 0, एक्स माइनस 30 तो बाई का वैल्यू 0.5, माइनस 30 तो बाई का वैल्यू 0.5 तो 0.86, 90 पे 1 और 0.86, 0.5, 0, 0.5, 0.86, 1, 1.0.8, 0.50, इसको भी फ्री हैंड से मैच कर दीजिए। ये और आगे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ इसका बन गया एफएक्स बराबर मॉड साइन एक्स और साइन पर पावर एन एक्स का ये ग्राफ बन गया। ये मॉडुलस साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये मॉडुलस साइन एक्स ग्राफ में अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका ग्राफ 1+1 और 0, 0 और प्लस 1 के बीच में ही आगे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 0 से 1 तक हो रहा है। तो इसका अगर हमें मॉड साइन एक्स का डोमेन बोलना हो, डोमेन मतलब एक्स, तो यह देख रहे हैं एक्स एक्स डोमेन मतलब एक्स एक्स देखेंगे तो ग्राफ एक्स एक्स से माइनस इनफिनिटी तरफ जा रहा है और प्लस इनफिनिटी आगे बढ़ रहा है। इसका डोमेन बोल देंगे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी और रेंज। अब इसका कह दे रेंज बताइए, रेंज मतलब बाई, तो मॉड साइन एक्स का रेंज, तो रेंज देखेंगे बाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक ही जा रहा है, इसका बोलेंगे रेंज 0 से 1, 0 से 1। और यह देखेंगे यह ग्राफ कहीं किसी पॉइंट पे टूट रहा है या किसी भी पॉइंट पे ग्राफ नहीं टूट रहा, मतलब यह फंक्शन क्या कंटिन्यूअस। मॉडुलस साइन एक्स क्या होता है फंक्शन कंटिन्यूअस, तो यह मॉड साइन एक्स क्या फंक्शन है कंटिन्यूअस। और क्या यह ग्राफ भी से बना रहा है क्या, एस बना रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे बना रहा है भी, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, तो यह भी इसमें बना रहे, यहाँ पे यू सेप है, यहाँ पे भी सेप आया गया,
8.0 पे बना रहा, 180 पे बना रहा, 360 पे बना रहा, उसी नेगेटिव में भी बना रहा, ए सब एंगल पे आपका भी से बना रहा है, तो ए सब एंगल पे आपका मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मॉड साइन एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है। और क्या यह वन वन फंक्शन होगा या मिनी वन? तो वन वन मिनी वन चेक करने के लिए हम लोग एक सरल रेखा खींचते हैं एक एक्सिस के पैरेलल, तो एक सरल रेखा खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं एक एक्सिस के पैरेलल। जब स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर गया, एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा, तो यह क्या है फंक्शन? मिनी वन फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है मिनी वन फंक्शन, कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल। नोट डाउन करो इसको।